हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे किसी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक बाइनरी नंबर है 1010.11, जिसका बेस 2 है और हम उसका बेस 10 यानी कि डेसिमल नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो जब भी कोई बाइनरी नंबर होता है तो वो बाइनरी नंबर यानी कि डेसिमल पॉइंट से पहले 2 to the power को प्लस प्लस करते जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 to the power माइनस माइनस करते जाएगा। यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5 एंड सो ऑन। और इन सब पावर्स की टोटल यानी कि मेरे डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर और डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट्स के बाद में की माइनस की टोटल यानी कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर। तो इसको समझने के लिए मैं इस डेसिमल या इस बाइनरी नंबर्स को यहाँ पर लिखता हूँ, डेसिमल पॉइंट्स के पहले और डेसिमल पॉइंट्स के बाद में। तो समझते हैं, ये मेरा डेसिमल पॉइंट्स है। इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड नंबर है 0101 और राइट हैंड साइड है 11। अब मेरा ये 0 × 2 to the power 0 है, तो अगर ये 1 रहता तो 2 to the power 0 का मतलब 1 × 1 तो 1 आता था, बट अभी ये 0 × 2 to the power 0 है इसलिए ये भी 0 है। प्लस 1 × 2 to the power 1 यानी कि 2 × 1, ये 2 आया। प्लस 0 × 2 to the power 2 यानी कि 4 × 0, 0। प्लस 1 × 2 to the power 3 यानी कि 8 × 1, जिसका मतलब है 8। डेसिमल पॉइंट्स के बाद में ये बनता है 1 × 2 to the power -1 यानी कि 1/2, इसका मतलब है ये 0.5। प्लस 1 × 2 to the power -2 यानी कि 1/4, इसका मतलब बनता है ये 0.25। तो अब मैं इसकी टोटल कर रहा हूँ, 8 + 2 = 10 पॉइंट, और इसकी टोटल करता हूँ तो ये 75। तो इस तरह से आप कोई भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।